बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? अगर आपकी क्वांटिटी डिमांड चेंज हो जाए ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, मिसाल के तौर पे कोई एक कमोडिटी है उसकी डिमांड अगर चेंज हो जाती है ड्यू टू चेंज इन प्राइस, इस पंखे की आप कीमत चेंज कर दें तो उसकी डिमांड में तो फर्क आएगा, लेकिन प्राइस में कितनी चेंज आई उसके रिस्पॉन्स में आपकी पंखे की डिमांड कितनी चेंज होगी, दिस इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी। मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको मेजर करने के कितने तरीके हैं? देयर आर थ्री मेथड्स टू मेजर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहला टोटल आउटले या इसे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी कहते हैं, दूसरा परसेंटेज मेथड, तीसरा ज्योमेट्रिक मेथड। सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल आउटले या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। व्हाट इज टोटल आउटले या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड? आपके कुल अखराजात का तरीका। इसमें फिर देखा जाता है अगर आपकी प्राइस चेंज हो, ठीक है भी डिमांड में तो चेंज आएगा, लेकिन हमने डिमांड को नहीं इतना प्रेफर करना, हमने अपने देखने टोटल एक्सपेंडिचर उसमें कितना चेंज आ रहा है। प्राइस चेंज होने की वजह से टोटल एक्सपेंडिचर में अगर आपके कोई चेंज ना आए, इसे बोलेंगे फिर आपकी डिमांड यूनिट इलास्टिक है, इक्वल टू वन। अगर आपकी प्राइस इंक्रीज हो जाए और टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो जाए, या अगर आपकी प्राइस डिक्रीज हो और टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाए, इन दोनों के दरमियान, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के दरमियान इनवर्स रिलेशन अगर एग्जिस्ट कर रहा हो, उस वक्त हम बोलेंगे इलास्टिसिटी आपकी मोर इलास्टिक है, डिमांड ग्रेटर देन वन। तीसरा केस इसका ये बनता है अगर आपकी प्राइस इंक्रीज हो और दूसरी तरफ आपके टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो जाए, या प्राइस डिक्रीज हो टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज हो जाए, दोनों के दरमियान, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के दरमियान अगर पॉजिटिव रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा हो, दैट इज लेस इलास्टिक डिमांड। इसे फिर हम बोलेंगे आपकी डिमांड कमोडिटी की वो लेस इलास्टिक है, लेस देन वन है। तो ये हो गया टोटल आउटले या टोटल एक्सपेंडिचर। दूसरा है हमारे पास परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड में हम टोटल एक्सपेंडिचर को नहीं देखते, हम सिर्फ देखते हैं कि प्राइस में कितने परसेंट चेंज आया, उसके रिस्पांस में क्वांटिटी डिमांड में कितने परसेंट चेंज आया। इसकी भी तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अगर दोनों का परसेंटेज चेंज सेम हो, दैट इज यूनिट इलास्टिक डिमांड। अगर प्राइस में परसेंटेज चेंज ज्यादा हो और उसके रिस्पॉन्स में डिमांड में परसेंटेज चेंज कम आए, इसका मतलब है आपकी डिमांड लेस इलास्टिक है, प्राइस उसको इतना ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं कर रही। तीसरा केस, अगर प्राइस में जितना चेंज आए उसके रिस्पॉन्स में आपकी क्वांटिटी डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आए, दैट इज मोर इलास्टिक डिमांड। इसका मतलब है आपकी डिमांड ज्यादा रिस्पॉन्स कर रही है, प्राइस सेंसिटिव ज्यादा है, ग्रेटर देन वन है। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, डेल्टा क्यू अवर क्यू। डेल्टा क्यू आपका क्वांटिटी में चेंज कितना आया डिवाइडेड बाय क्यू एक्चुअल क्वांटिटी क्या थी डिमांड की चेंज होने से पहले, डिवाइडेड बाय डेल्टा पी अवर पी। आपकी प्राइस में कितना चेंज आया उसको आपने डिवाइड करना है P, आपकी ओरिजिनल प्राइस क्या थी चेंज होने से पहले। ये फार्मूले में वैल्यूज वगैरह भी पुट करें, अगर आंसर इक्वल टू 1 आ जाए यूनिट इलास्टिक, ग्रेटर देन 1 आ जाए मोर इलास्टिक, लेस देन 1 आ जाए तो लेस इलास्टिक। दो मेथड हो गए। तीसरा
इलास्टिसिटी चेक करने का ज्योमेट्रिक मेथड। ज्योमेट्रिक मेथड क्या है, इसमें अब आपने फार्मूला भी नहीं चेक करना और आपने वो दूसरा जो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है उसकी तरफ भी नहीं जाना। ये दोनों से समझ लेके सिंपल तरीका है। इसमें आपने वो डिमांड कर्व आपके सामने है और जिस पॉइंट की आपने इलास्टिसिटी चेक करनी है इस पूरी डिमांड कर्व में, उस पॉइंट से नीचे वाला पोर्शन डिमांड कर्व का उसको डिवाइड कर देना आपने अपर पोर्शन ऑफ डिमांड कर्व। फार्मूला इसका है लोअर पार्ट ऑफ डिमांड कर्व डिवाइडेड बाय अपर पार्ट ऑफ डिमांड कर्व। अगर तो आपका आंसर इक्वल टू 1 आए, यूनिट इलास्टिक ग्रेटर देन 1 आए, मोर इलास्टिक लेस देन 1 आए, तो लेस इलास्टिक। इक्वल टू 1 कब आएगा, अगर तो पॉइंट आपका उस डिमांड कर्व के एग्जैक्ट सेंटर में, तो बिल्कुल सेंटर में, इसका मतलब है कि लोअर पार्ट भी उतना ही है और अपर पार्ट भी उतना ही है। डिवाइड दोनों को करेंगे तो आंसर हमेशा इक्वल टू 1 आएगा। इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 किस वक्त होगी, उस सेंटर पॉइंट के ऊपर कोई भी पॉइंट अगर आप उसकी इलास्टिसिटी चेक करते हैं, तो उस सेंटर पॉइंट से ऊपर जो सा भी आप पॉइंट ले लें उसमें इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी। उसकी रीजन ये है कि लोअर पोर्शन डिमांड कर्व का वो ज्यादा है और अपर पोर्शन डिमांड कर्व का वो कम है। तो इसको जब फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करेंगे लोअर पार्ट डिवाइडेड बाय अपर पार्ट, तो आंसर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तीसरी पॉसिबिलिटी है इलास्टिसिटी लेस देन 1 किस वक्त होगी, उस सेंटर पॉइंट के से नीचे किसी भी पॉइंट की आप इलास्टिसिटी चेक करें तो उसकी इलास्टिसिटी हमेशा लेस देन 1 होगी। उसकी रीजन ये है कि लोअर पोर्शन ऑफ डिमांड कर्व वो हमेशा छोटा होता है अपर पार्ट के निस्बत। तो फार्मूले में जब वैल्यू लगेंगे लोअर पार्ट डिवाइडेड बाय अपर पार्ट ऑफ डिमांड कर्व, तो आंसर हमेशा आपका लेस देन 1 आएगा। तो ये था ज्योमेट्रिक मेथड। तो प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करने के 3 मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, उसमें आप एक्सपेंडिचर के साथ कंपैरिजन करते हैं प्राइस को, परसेंटेज मेथड, उसमें आप क्वांटिटी डिमांड और परसेंटेज प्राइस का कंपैरिजन करते हैं दोनों में कितना परसेंटेज चेंज है, और ज्योमेट्रिक मेथड, उसमें आप लोअर पार्ट को अपर पार्ट के साथ कंपैरिजन करते हैं कि इलास्टिसिटी आपकी ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है या इक्वल टू 1। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।